Hey guys, I am Rahul. Now I am going to explain three questions in this video clip. I hope you watch enjoying this video clip. If you are new, please subscribe my channel. The three questions. This is a short story written by Leo Tolstoy. He is a Russian author. In this story, a king who wants to find the answers to what he considers the three most important questions in life. अर्थात एक कहानी लियो टॉल्स्टॉय जो रशियन ऑथर है उनके द्वारा लिखा गया है. इस कहानी में एक राजा के मन में तीन क्वेश्चंस है और वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में जिक्र किया गया है. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. एक बार एक राजा के मन में सवाल आए. वो जानना चाहता था कि सही वक्त क्या है किसी भी काम को करने का, और वो सही लोग कौन है जिसको वह सुन सके, और वो कौन कौन ऐसे लोग हैं जिसको अवॉइड कर सके, नज़रअंदाज कर सके. और तीसरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनके सामने आया कि सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है जिसको मैं करूँ और करने के बाद सफलता हासिल हो. एंड दिस थॉट हैविंग ऑकर टू हिम ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवार्ड टू एनीवन हु वुड टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल एंड हाउ ही माइट नो What was the most important thing to do? उस क्वेश्चन के जवाब के लिए वो राजा ने अपने पूरे राज्य में एक घोषणा करवा दिया कि जो कोई भी उन तीन क्वेश्चंस का मुझे आंसर देगा उसे एक ग्रेट रिवॉर्ड मिलेगा. वो क्वेश्चन क्या है एक बार आप फिर से जान लेंगे. वो कौन सा सही वक्त है जिसको काम में लगाया जाए, वो कौन इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिसको हम सुने, और वो कौन इम्पॉर्टेंट काम है जिसको हम करें. एंड लर्न्ड मैन केम टू द किंग बट दे ऑल एंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन One must draw up in advance a table of days, months, and years, and must live strictly according to it. राजा के पास बहुत सारे विद्वान लोग आए, लेकिन सभी का रिप्लाई अलग अलग था. किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई दिया कि किसी भी एक्शन को करने के लिए किसी दिन या मंथ या ईयर का एडवांस टाइम टेबल बना लेना चाहिए और आपको उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली दस सेड दे कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम. इस तरह से सभी लोगों ने आंसर दिया कि आप एडवांस टाइम टेबल को फॉलो करके ही आप किसी काम को कर सकते हैं. अदर्स डिक्लेयर्ड that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on, and then do what was the most needful. अन्य लोगों ने इसका विरोध किया और उन्होंने बोला ये बिल्कुल असंभव है. किसी भी काम को
उस वक्त करना चाहिए जो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा नीडफुल हो। अदर्स अगेन सेड दैट हाउएवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू व्हाट वॉज गोइंग ऑन, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरी थिंग। अन्य लोग एक बार फिर से असहमति जताए और उन्होंने सलाह दी कि राजा को चाहिए कि वाइज मैन का काउंसिल कर ले, इससे टाइम फिक्स करने में उसे मदद मिलेगी। बट देन अगेन अदर सेड देयर वर सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेट बिफोर अ काउंसिल बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट। कुछ लोगों ने कहा नहीं, कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो काउंसिल बुलाने का इंतज़ार नहीं कर सकती, अचानक घटती है, तो उन कार्यों को करने के लिए कौन सा टाइम होगा, इसको डिसाइड कर पाना मुश्किल है। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन, इट इज़ ओनली मैजिशियंस हु नो दैट एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियंस। कुछ लोग का मानना था कि राजा को मैजिशियंस से कंसल्ट कर लेना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को सिर्फ मैजिशियन ही है जो बता सकता है। इक्वली वेरियस वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसिलर्स, अदर्स द प्रीस्ट्स, अदर्स द डॉक्टर्स, व्हाइल सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन का भी रिप्लाई डिफरेंट डिफरेंट है। किसी ने बोला कि आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग काउंसलर हो सकते हैं, किसी ने बोला पुजारी हो सकते हैं, किसी ने बोला डॉक्टर हो सकते हैं, तो किसी ने बोला योद्धा आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस, अदर्स सेड इट वाज अ स्किल इन वारफेयर एंड अदर्स अगेन दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, इसके भी आंसर डिफरेंट डिफरेंट आए। किसी ने जवाब दिया कि वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग साइंस है, तो किसी ने युद्ध भूमि में अच्छी कौशल, और किसी ने जवाब दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग रिलीजियस वर्शिप है। ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट द किंग एग्रीड विद नन ऑफ देम एंड गेव द रिवार्ड टू नन, बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस He decided to consult a hermit, widely renowned for his wisdom. सभी के आंसर डिफरेंट डिफरेंट थे। राजा किसी के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था, इसी वजह से वो किसी को रिवॉर्ड नहीं देता है। लेकिन फिर भी राजा के मन में वो क्वेश्चन बार बार आ रहे थे, जिसको जानने के लिए वो डिसाइड करता है कि मुझे हर्मिट से मिलना है। कौन हर्मिट? तो वो हर्मिट जो उसके राज में बहुत ज़्यादा रिनाउंड था, फेमस था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर क्विटेड एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, leaving his bodyguard behind, he went on alone. When the king approached
द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ ही ब्रीदेड हैवीली। हर्मिट एक जंगल में रहा करता था जो अपने झोपड़ी को कभी छोड़ करके नहीं जाता था, और वो किसी से मिलता था तो वो सिर्फ कॉमन फॉक से ही। इसलिए राजा सबसे पहले सिंपल क्लॉथ को पहन लेता है और हर्मिट के पास पहुंचने से पहले वो अपने घोड़े से उतर करके बॉडीगार्ड को रास्ते में छोड़ देता है। अकेला हर्मिट के पास जाता है। जैसे ही राजा हर्मिट के पास पहुंचता है, देखता है हर्मिट ग्राउंड को खोद रहा है। जब हर्मिट ने देखता है कि कोई आ रहा है तो उसे ग्रीट करता है और फिर वो खोदने में व्यस्त हो जाता है। हर्मिट बिल्कुल फ्रेल और वीक दिख रहा था, मतलब कमज़ोर, और वो लगातार ज़मीन को खोद रहा था। थोड़ा सा खोदता था और थक जाता था, लंबी लंबी सांसें खींचने लगता था। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा हर्मिट के पास जाता है और बोलता है, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड एंड टू हुम शुड आई therefore pay more attention than to the rest, and what affairs are the most important and need my first attention? Hey wise hermit, मेरे मन में 3 सवाल हैं, मैं उसे जानने के लिए आपके पास आया हूँ, कृपया कर उसे बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, सबसे इम्पोर्टेंट लोग मेरे लिए कौन है? और थर्ड क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क मेरे लिए क्या है? द हर्मिट लिसन टू द किंग बट answered नथिंग। ही जस्ट spat ऑन his हैंड एंड recommenced digging। हर्मिट राजा की बातों को ध्यान से सुनता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है, और वो फिर से खोदने में व्यस्त हो जाता है। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वॉक अ वाइल फॉर यू। थैंक्स, सेड द हर्मिट एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। राजा ने हर्मिट से बोला, आप थक गए हैं, अब कुदाल मुझे दे दीजिए, आपके बदले मैं खोद देता हूँ। हर्मिट ने राजा को कुदाल देते हुए बोला, थैंक्स, और जमीन पे बैठ गया। When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade, and said, Now rest a while, and let me walk a bit. राजा ने जब 2 बेड जमीन को खोद चुका था, तभी वो रुकता है और फिर से वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, लेकिन हर्मिट इस बार भी कोई जवाब नहीं देता और अपनी हाथ को फैला करके कुदाल मांगता है और बोलता है, अब आप विश्राम कर लो, लाओ कुदाल मुझे दे दो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग।
One hour passed and another. The sun began to sink behind the trees, and the king at last stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give none, tell me so, and I will return home. लेकिन राजा ने कुदाल नहीं दिया और अभी भी लगातार जमीन को खोद रहा था। एक घंटा बीत गए, दूसरे घंटा बीत गए, इसी तरह से शाम ढल गई, लेकिन अभी तक आंसर नहीं मिला। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसने हर्मिट से बोला, वाइज मैन, मैं आपके पास अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए आया था। अगर आपके पास मेरे इन क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो क्यों नहीं बोल देते मुझे, चले जाओ अपने घर। हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इट इज। तभी हर्मिट ने बोला, देखो कोई आ रहा है, चलो देखते हैं कौन है वो। बाकी के कहानी को इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे। प्लीज सेकेंड पार्ट को अवश्य देखें।